साथियों, पहले कांग्रेस भाजपा दोनों पार्टियों ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने का वादा किया। सर्वोच्च न्यायालय ने शिवराज सरकार की कमजोर पैरवी की वजह से ओबीसी आरक्षण खत्म कर दिया। अब दोनों पार्टियां कह रही हैं कि हम पंचायत एवं निकाय चुनाव में 27% सीटें ओबीसी को देंगे। ये इनके साथ छलावा है। बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश इकाई की बैठक में प्रदेश के प्रभारीगणों एवं प्रदेश कमेटी ने निर्णय लिया है कि बहुजन समाज पार्टी जो कहती है वो करती है। हम ओबीसी समाज को 52% सीट से भी ज्यादा सीट देने का काम करेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर साहब कांशीराम जी एवं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा व पूर्व मुख्यमंत्री माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने 1989 में बहुजन समाज पार्टी के 3 सांसदों के समर्थन से मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाया था। उसी कारण मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई और पिछड़े वर्ग समाज को 27% आरक्षण मिला। आज जो हालात हैं, उन हालातों को देखते हुए जब मानवर साहब कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया, नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, बहुजन समाज पार्टी वचनबद्ध है। बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में पिछले वर्ष समाज को उनकी संख्या के अनुपात में सीट देने का काम करेगी। धन्यवाद। जय भीम।